नितिन जी, आप पहले से यहाँ आते रहे? पहले इनका ठेला था सामने। अच्छा, वहाँ से हम लोग आते थे, अब वहाँ से ये है, ये राजस्थान से। पहले ठेला आपका लगता था यहाँ? 85 में। उस टाइम से सुने लम्बरेटा स्कूटर लेकर के आप आए करते थे? लम्बरेटा लेके आते थे सर, पाव भाजी के लिए। तो तब से रेगुलर आते हैं आप? हाँ, यहाँ आता हूँ अभी। थोड़ा कभी कभी रात को भीड़ हो जाती है इनके सामने, तो 11:30 के बाद आते। तो खासियत क्या है, क्यों आते हैं ऐसा इनके? ये जो भाजी है इनकी, वो मुझे सबसे पसंद है। तो आज खिला रहे हैं ना? हाँ, वो मेरे लिए, मैंने इनको बता के रखा है। वो टमाटर ज्यादा डालते हैं, नींबू डालते हैं। तो आपकी फेवरेट चीज से हमको भी आज टेस्ट करवाने वाले हैं। पाव भाजी खिलाई और पिज्जा भी खिलाई, दोनों भी खिलाई। लेकिन नितिन जी, यहाँ पे क्योंकि हम राजनीतिक चर्चा भी हमारी जारी है, एक चीज से मैं शुरू करना चाहती हूँ, जो सबसे ज्यादा आपके विरोधी बोलते हैं आपकी पार्टी के बारे में, जो आ जाए धुल जाते हैं पाप, वॉशिंग मशीन लगी हुई है बीजेपी में। नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं है। अभी जो लोगों के ऊपर जो जो इंक्वायरियां थी, वो जो इंक्वायरी हुई उसमें जो जो रिपोर्ट आए, उसके अनुसार कार्रवाई हो रही है। हमने किसी को ऐसा माफ नहीं किया। लेकिन हर पार्टी से नेता आपकी पार्टी में आ रहे हैं नितिन जी, जो कोई भी पार्टी हो, और लोग कह रहे हैं कि इतना सब करने के बाद भी, विपक्ष का ये कहना है कि कभी 2004 में जो इंडिया शाइनिंग का हाल हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी को हम लोग मास बेस बढ़ाना चाहते हैं, और राजनीति में जब लोगों को ऐड करने से ताकत बढ़ती है, जैसे साउथ में हमको और ताकत बढ़ानी है, तो धीरे धीरे हमें जिस जिस प्रदेशों में अपने बदौलत ताकत बढ़ानी है, वहाँ अनेक लोगों को पार्टी में लेना पड़ता है, तो हम साधारणतः उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जो इंडिया शाइनिंग का जिक्र उन्होंने किया, बहुत ज्यादा चर्चा इस बात की है, क्या आप उस समय से एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं? उस समय क्या हुआ था? उस समय भी सबको लगता था कि वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए वापस आएगी, उसकी सरकार। मुझे लगता उस समय जो हुआ था, ऐसा इस समय होने की कोई संभावना नहीं है। इसका कारण ऐसा है कि 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का परफॉर्मेंस, और 60 साल में कांग्रेस का परफॉर्मेंस, 10 साल में जो बेनिफिट लोगों को मिले हैं, उसका एक बहुत अच्छा परिणाम है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉलिटिक्स दो प्रकार का होता है, नेशनल इंटरेस्ट पॉलिटिक्स होता है, इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट मिला ये होता है। आप ऐसा एक सेक्शन निकालिए कि किसान हो, महिला हो, ये टपरी वाला हो, कोई भी निकालो, हर सेक्टर के व्यक्ति को हमारी सरकार में बेनिफिट मिला। नितिन जी, विकास की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, पूरी पार्टी कर रही है, विकास के साथ साथ जो डेवलपमेंट आपने किया है, क्या राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए? देखिए, मेरा ये प्रामाणिक मत है कि राम मंदिर को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये हम लोगों ने अनेक साल इसके लिए संघर्ष किया, और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये कोई पार्टी या कोई जात, कोई पंथ धर्म ऐसी बात नहीं है, ये भारत की इतिहास, संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। और जिस प्रकार से राम मंदिर हुआ, उसके लिए काफ़ी वाद विवाद हुए, संघर्ष हुआ, आंदोलन हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया, और उसके बाद में ये मंदिर का निर्माण हुआ है। ये पूरा लोगों के आस्था का और श्रद्धा का विषय है। इसको राजनीति में लेकर घसीटना, क्योंकि राजनीति में कोई भी विषय विवाद का कब बनता है? जब कुछ लोग एक बाजू से होते, कुछ लोग एक बाजू से होते। राम मंदिर का मुद्दा विवाद का है नहीं, तो उसको इस प्रकार से भुनाना हमारी पार्टी की इच्छा भी नहीं है, और हमने उस प्रकार का मुद्दा नहीं लिया। आपने देखा कि न्यास ने कोशिश की कि वो कोई भी ऐसे, मतलब मंत्रियों को या मुख्यमंत्रियों को इनविटेशन नहीं गया, ताकि राजनीतिक रही भी ना, लेकिन पार्टियों को गया, उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं आएंगे, ये पॉलिटिकल आयोजन हो रहा है तरीके से। समाज के अनेक क्षेत्र के लोगों को देखिए, आप अभी देखिए, कोई फिल्म एक्टर है, कलाकार है, सोशल वर्कर है, न्यायाधीश है, वकील है, बड़े बड़े पत्रकार हैं, सबको इनविटेशन गया। हाँ, एक बात जरूर है कि उसकी अपनी एक मर्यादा है कि वहाँ कितने लोग एक समय जा सकते हैं। वैसे देश के प्रमुख लोगों को बुलाया, क्योंकि यह विषय कोई पार्टी राजनीति का दलगत विषय नहीं था, इसलिए सबको बुलाया गया। ये जमीन जो है वो RSS की है, RSS से पहचान रही है, और
आपके जितने भी विरोधी हैं वो सब कहते हैं कि भाई आरएसएस ही डिसाइड करता है क्या होना है क्या नहीं होना है, कैसे बीजेपी को काम करना है, तो आप तो बिल्कुल गढ़ में हेडक्वार्टर में बैठे हैं नितिन जी। देखो मैं तो आरएसएस का सदस्य, आप खुद हैं जी, ये 100% गलत बात है। आरएसएस कभी भाजपा के कोई काम में, मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट हूँ, तब भी ऐसी बात नहीं होती। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट के जो विषय होते हैं उसको वो अपनी बात बताते हैं, बाकी पॉलिटिकल निर्णय क्या करना क्या नहीं करना ये कभी उनके तरफ से होता नहीं। पर नितिन जी, संघ मुख्यालय है नागपुर में, संघ का काम है पूरे देश में, गांव में भी कहा जाता है कि संघ की जड़ें हैं सब जगह। इतने सालों के काम के बावजूद भी 2014 से पहले क्यों नहीं बीजेपी यहाँ जीत पाई? कांग्रेस का ज़्यादा यहाँ पे आधिपत्य रहा, डोमिनेशन उनका रहा कांग्रेस का। 2014 के बाद आप दो बार जीते, जैसे अभी प्रचार कर रहे ना ये संविधान बदलने वाला है, वैसे कांग्रेस ने हमारे खिलाफ बहुत झूठा प्रचार किया था कि बीजेपी यानी आरएसएस है और आरएसएस ने महात्मा गांधी का खून किया। कांग्रेस सत्ता में थी और थोड़ा कठिनाई थी, पर नागपुर है जैसे आरएसएस का सेंटर है, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म भी यही स्वीकार किया। नागपुर का एक अपना अलग कैरेक्टर है और नागपुर का इतिहास ऐसा रहा है कि सब लोग मिलकर रहते हैं, एक मारबत निकलती है, राम जन्म की शोभा यात्रा निकलती है, ईद के मुसलमानों का त्यौहार भी बड़े प्रमाण पर होता है। और नागपुर में किसी ने हैट्रिक भी नहीं लगाया, नागपुर में किसी ने हैट्रिक भी नहीं लगाया सांसद का? शायद नहीं, शायद कांग्रेस ने, मुझे मालूम नहीं, पर मैं हैट्रिक पक्की करूंगा। नितिन जी, आप तीसरी बार जीतने वाले, आपने कहा तो क्या बनना चाहेंगे 24 में जब जून में मोदी सरकार शपथ लेगी, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ही रहेंगे? ये तड़का होता है, आप तीखा काटियो ज्यादा जी, ये आप खाके देखें, ये भी मतलब आपको सवाल तीखा लगा इसलिए तीखा याद आया, या तीखा खाना खा रहे हैं इसलिए तीखा सवाल का जवाब देंगे? ये तो क्या बनना चाहेंगे, सड़क परिवहन मंत्री बनना चाहेंगे या कुछ और? मंत्री बनना ये किसको क्या देना, ये प्रधानमंत्री का अधिकार होता है। देखिए, आपके दिल के नजदीक कौन सा? ये तो पार्टी तय करेगी, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें एक्सपर्टीज आपको लगता हो कि ये मैं बहुत अच्छा? मैं दो चीजों के लिए काम कर रहा हूँ, विदर्भ से किसानों की आत्महत्या को रोकना ये मेरा लाइफ मिशन है, मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ, और अभी मैं दिव्यांग और सीनियर सिटीजन इनके हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बहुत चर्चा होती है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आम ट्विस्ट किया, लोगों को ईडी की रेड पड़ी तो वो लोग आकर चंदा देकर गए, ये सब गलत बात है। कांग्रेस वाले इस प्रकार के गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड में तो बाकी पार्टी को भी मिला है, उन्होंने क्या आम ट्विस्ट किया, उनको भी मिला है। जी, आपका वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या विचार है? मुझे लगता है ये विषय अभी कोई चर्चा करने के कारण की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी तक इसमें देश में चर्चा ही हो रही है, जब सब चर्चा होगी उसके बाद कोई मत आएगा तब करना ठीक। एक नेता के तौर पर जब ये समय जाता है एक प्रचार के लिए, उसके बाद फिर महाराष्ट्र चुनाव आ जाएंगे, वहां पर भी आपको करना पड़ेगा, समस्या तो है। पर लोकतंत्र में क्या होता है कि कोई भी इशू पर सबकी जब यूनैनिमिटी नहीं होगी तब तक वो विषय करना मुश्किल है। लेकिन रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट भी सौंपी है, और मोदी सरकार यानी बीजेपी का हमेशा से मानना रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए ताकि खर्चा बचेगा, पैसे की बर्बादी नहीं होगी, समय की बर्बादी नहीं होगी, तो उनका हमेशा से ये मानना रहा है और इस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। अभी उनका रिपोर्ट आया है, उचित समय पर उचित जगह पर उसका विचार करेंगे। कांग्रेस की गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करके कई वादे किए और कहा है कि हम गारंटी देते हैं, और उधर मोदी की गारंटी उसी आदमी की होती है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। जिस पार्टी ने 60 साल लोगों को गुमराह किया और जो बातें बताई वो किया नहीं, तो उनके गारंटी को कोई मतलब नहीं। तो आप लोगों का ज्यादा बड़ा स्ट्रेंथ आप कह रहे हैं कि वो 60 साल हैं बनिस्पत 10 साल? देखिए, आप कहीं भी देखें, अभी मैं नागपुर में हूँ,
आप जनता को पूछिए कि मैंने कही हुई बात कौन सी नहीं हुई, और एक आधी बात करना नहीं तो मैं बोलता हूँ ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो लोगों में विश्वास आ रहा था, क्रेडिबिलिटी जो है ये बीजेपी की क्रेडिबिलिटी, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, काम करके दिखाया हर चीज को। कांग्रेस में बोलते रहे वो गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी किसकी हटी, गरीबी हटाओ का नारा दिया, 20 कलमी कार्यक्रम आया, 5 कलमी पानी देना, 5 कलमी कार्यक्रम आया, क्या हुआ? प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी ताकत आपके हिसाब से क्या रही कि नॉन कांग्रेस पीएम दो बार बने भी और तीसरी बार वो 400 पार भी कह रहे हैं? जो बोल रहे हैं वो बात वो करके दिखाते हैं, ये सबसे बड़ा है। और जो बताते हैं वो उसके लिए पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और लगातार पीछे लगते हैं और वो करके दिखाते हैं। देखो कोई भी काम करना, एक ब्रिज बांधना है, कोई लैंड नहीं देता, कोई परमिशन नहीं देता, बहुत दिक्कतें आती है। मैं एक एक के पीछे लगता हूँ तब वो कई काम शुरू होता है। तो कोई काम में फॉलोअप अपने बोल दिया हो जाएगा ऐसा नहीं होता, उसका फॉलोअप करना पड़ता है। तो ये जो प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल और उसका वेल प्लान इम्प्लीमेंटेशन, ये उनकी विशेषता है। आप प्रिडिक्ट करने के बहुत बड़े फैन तो है नहीं, लेकिन पार्टी ने देश का नारा तो दिया है, पर मैं महाराष्ट्र का प्रोजेक्शन आपसे समझना चाहता हूँ, लोकसभा में कितनी सीट है? अभी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जब हम दो थे तभी हमने बहुत जगह मिली। इस बार मुझे लगता है कि पिछले बार जो थी उससे 1-2 सीटें ज्यादा ही मिली। पिछली बार से 1-2 सीटें ज्यादा, तो मतलब विपक्ष के लिए आप ज्यादा कुछ छोड़ने वाले नहीं है पिछली बार? हमारा छोड़ने का क्या कारण है, जनता नहीं चाहती उनको तो हम क्या करें। आप इतना शौकीन है खाने के, सड़क के किनारे बैठ करके आप खा रहे हैं खाना मंत्री बनने के बाद भी, और शुरू से ही आपका ये स्टाइल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो स्ट्रीट फूड होता है वो तो बड़े होटल और रेस्टोरेंट से कई गुना अच्छा टेस्टी होता है। ये तो है। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जाना और खाना मुश्किल होती है, तो मैं जनरली 11 बजे के बाद आता हूँ, बताता नहीं, चुपचाप 11 बजे फोन करता हूँ मैं आ रहा हूँ, बंद मत कर दो। अब लोगों ने ये भी जगह भी देख ली है, टीवी पे ये भी सुन लिया है कि 11 के बाद आते हैं जिसको मिलना है अपने सांसद से वो इस समय आएंगे। 50 साल से आप लगातार आ रहे हैं यहाँ पे नीतीश जी? हाँ बिल्कुल। जब आप बच्चे आज बड़े हो गए, हम तीनों आते थे मेरी पत्नी और मैं, उधर वो जो यशवंत स्टेडियम है खाते थे उधर, और कभी पिज्जा खाते थे कभी कुल्फी खाते। यहाँ पर विशुद्ध नागपुर की जनता है, हम इनसे भी बात करके जरा पूछेंगे कि नागपुर की जनता का अक्रॉस कास्ट रिलीजन क्रीड सेक्स एंड पार्टी मेरे साथ जो प्रेम है, दैट इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ माय पॉलिटिकल लाइफ। नितिन जी के काम को कितने नंबर हैं? 10 में 10 में 10, 10 में 100 हैं। सब नागपुर के लोग हैं सारे। नितिन जी के काम को 100 कौन बोल रहा था? 1000 क्यों? 1000 क्यों? विकास किया है उन्होंने, डेवलपमेंट का पैरामीटर बनाना चाहिए। क्या डेवलपमेंट का पैरामीटर गडकरी साहब को बनाना चाहिए, 100% बेंचमार्क। जो नागपुर आज दिख रहा है वो नितिन जी की वजह से ही है। सिर्फ सामने इस वजह से तो नहीं बोल रहा है? अच्छा काम लगता है? अच्छा लगता है, नितिन जी का अच्छा काम है, काम अच्छा है। किसी को कोई शिकायत? नागपुर में एक खासियत जो है, बाकी शहरों में भीड़ होने के बाद विकास बनता है, यहाँ पे पहले विकास बनता है, लोगों को जो नीड है जो पहले बनती है, जो आगे कुछ सालों बाद लगने वाली है, जो बाकी जगह आगे का सोचते हैं, आगे का विजन सोच के काम किया है नागपुर में। बाकी जगह कैसा होता है, पूरा एकदम क्राउडेड होने के बाद ब्रिज बनना चाहिए, हमने 100 बोले 100% पहले काम हो जाता है। पूरे देश में नागपुर को पहचानते हैं मैडम गडकरी साहब की वजह से। हम बाहर गाँव जाते हैं तो हमारी इज्जत गडकरी साहब की वजह से होती है। अच्छा, नागपुर में जो नेपाल गए थे वहाँ पे बोले गडकरी साहब किस गाँव से हो, हमारे बहुत एक खासियत जो है ओवर ब्रिज की, जो सिटी से बाहर जाने वाले ब्रिज है, जो ऐसे कौन से भी शहरों में नहीं है, सिटी से डायरेक्टली बाहर जाने वाले ब्रिज 4-5 अभी कुछ बन भी रहे हैं। और जो सर की वजह से मैडम एक बोलना चाहूंगा कि जो बोलते हैं लोग कि रोजगार नहीं है, अगर मेरे पास टैलेंट है तो मैं एक जगह से रोजगार खड़ा कर सकता हूँ। जो मोदी जी ने जो बोला है आत्मनिर्भर भारत, सब बोलते हैं कि रोजगार नहीं, रोजगार अगर सभी को रोजगार मिलेगा तो क्या करेंगे,
बाकी के चीजें के स्टार्टअप हम कर रहे हैं, अभी हम यूनिकॉर्न हो गए, यूनिकॉर्न हो गए स्टार्टअप में, तो हर कोई के पास में टैलेंट अगर है तो अपना टैलेंट दिखाइए। बोलना कुछ है और करना एक आपस में एक बड़ी चीज है, जो गडकरी साहब बोलते हैं वो करते हैं। चलिए, ये जो बड़ा कॉम्प्लीमेंट वहां से मिला है वो ये कि नागपुर की शान कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि बाकी शहरों में जरूरत के हिसाब से विकास होता है, यहाँ विकास कर दिया जाता है क्योंकि जरूरत को पहले से आंक लिया जाता है। दूसरा एक सवाल और है श्वेता, नितिन जी कह रहे हैं मैं 5 लाख वोटों के रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा, तो जनता क्या चाहते है? कितने मतों से जीतेंगे, क्योंकि इनका टारगेट 5 लाख का है। उन्होंने 5 बोला, 5 के ऊपर है, 8 लाख तो मिनिमम 8 लाख।